हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो देश में आपने जाबाजों के किस्से बहुत सुने होंगे, अगर मैं बात करूं तो बहादुरों के किस्से भी बहुत सुने होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन विमेन इन यूनिफॉर्म की जो जिन्होंने जो है फौज की वर्दी पहनी, एंड दे आर द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर जो कि ये सोचते हैं कि आपका जो है पर्दे के पीछे रहकर या फिर जो है घर के कामकाज कर कर ही जिंदगी जो है वो आपका गुजारी जा सकती है। तो आज इस सेशन में हम बात कर रहे हैं आपका उन 10 इंस्पिरेशनल विमेन की जो कि आपका जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी, आर्म फोर्सेस में सर्व किया और साथ ही साथ अपने जैसे बहुत सारे जो है युवाओं के लिए वो प्रेरणा बन गई कि वो आज जो है आर्म फोर्सेस में ज्वाइन कर सके। मेरा नाम है भंवर सिंह सुरोई, आई एम एक्सीडी 115 कोर्स, और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं 2017 की बात। 2017 में पहली बार ऐसा हुआ कि जो उस समय पर राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने जो है विमेन यानी कि जो महिलाएं हैं उनको कॉम्बैट रोल्स में भी आपका जो है इंडक्शन के लिए अलाउ कर दिया, अनाउंस किया, और साथ ही साथ ये सबसे पहली बार हुआ आपका इंडियन एयरफोर्स में। जून 2017 से जो लड़कियां हैं, जो विमेन हैं आपका आर्म फोर्सेस में, वो कॉम्बैट रोल्स में इंडक्ट होने लगी। अगर मैं बात करता हूं आपका जो पहला इंडक्शन हुआ था विमेन का या आपका फीमेल्स का इन द इंडियन आर्मी या आर्म फोर्सेस, वो था आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में, और एमएनएस में जो पहला इंडक्शन हुआ था वो था 1927 में। उसके बाद फिर अगर हम बात करें 1943 में आपका जो है मेडिकल ऑफिसर कैडर में भी आपका जो इंडक्शन किया जाने लगा, और अगर हम बात करें शॉर्ट सर्विस के लिए इंडियन आर्मी में आपका जो है विमेन ऑफिसर्स को इंडक्ट किया जाने लगा था 1992 से। लेकिन आज अगर हम देखें तो आपका कॉम्बैट रोल्स में भी दे आर प्लेइंग अ वेरी वेरी वेल रोल इन टू दी यू नो इंडियन आर्म फोर्सेस। अब यहां पर हम बात करेंगे उन 10 इंस्पिरेशनल वुमेन की। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल इन इंडियन आर्म फोर्सेस, पुनीता अरोड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट पुनीता अरोड़ा, और ये जो है आपका लेफ्टिनेंट जनरल बनी इंडियन आर्म फोर्सेस में। साथ ही साथ इनको जो रैंक भी दिया गया वाइस एडमिरल का इंडियन नेवी में। इनका जो जन्म हुआ था वो पंजाबी फैमिली में हुआ था, और उसके बाद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में ये लोग जो है आपका शिफ्ट हो गए आफ्टर पार्टीशन। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सेकेंड हाइएस्ट रैंक जो है इंडियन आर्म फोर्सेस में लेफ्टिनेंट जनरल की, वो पहली बार किसी महिला के पास अगर थी तो वो थी जो है आपका लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा। ठीक है, तो इन्होंने जो है आपका साथ ही साथ कमांडेंट भी रह चुकी हैं आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज की 2004 में, और अगर हम बात करें तो ये भी पहली बार ऐसा था कि इन्होंने जो है फर्स्ट वुमेन थी जो कि आपका कमांडेंट रही आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एएफएमसी की। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो एएफएमसी में या एएफएमएस में आपने जो है मेडिकल रिसर्च भी आपका जो है कोऑर्डिनेट की है, और बाद में आर्मी से नेवी इनका जो है मूवमेंट हो गया। ठीक है, और क्योंकि अगर हम बात करें आपका जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो सर्विस चेंज हो सकती है, एक सर्विस से दूसरे सर्विस में ये माइग्रेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, तो अल्टीमेटली वहां पर इनको जो है वाइस एडमिरल ऑफ इंडियन नेवी का भी रैंक दिया गया। दूसरे अगर हम बात करें तो विल टॉक अबाउट फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, पद्मावती बंदोपाध्याय की हम बात कर रहे हैं। तो पद्मावती बंदोपाध्याय ये पहली भारतीय महिला है जो कि एयर मार्शल बनी इंडियन एयरफोर्स में। इन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया था 1968 में और अपना डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कोर्स 1978 में कंप्लीट किया था, और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला भी आपका बनी, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर भी थी जिन्होंने कि डीएसएससी कोर्स जो है वो आपका कंप्लीट किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, पहली वुमेन ऑफिसर भी थी जो कि एविएशन मेडिसिन स्पेशलिस्ट बनी थी, फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने कि साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट किया था नॉर्थ पोल पर, और साथ ही साथ अगर हम बात करें फर्स्ट वुमेन जो कि प्रमोट हुई थी एयर वाइस मार्शल के रैंक पर। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनको विशिष्ट सेवा मेडल भी आपका दिया गया है इनकी सर्विसेज के लिए जो इन्होंने दी थी 1971 के इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। तीसरा जो नाम आता है यहां पर वो है मिताली मधुमिता का। शी इज द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू रिसीव सेना मेडल फॉर गैलेंट्री, अपनी बहादुरी के लिए जो कि आपका काबुल में अम्बेसी अटैक में आपका जो हुआ था, तो इनको जो है पहला सेना मेडल आपका दिया गया था, फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू रिसीव दी सेना मेडल, और ये 2011 की मैं बात बता रहा हूं, लेफ्टिनेंट कर्नल मिताली मधुमिता।
तो ये आपका जो है कभी भी ऑपरेशंस होते हैं जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, उस दौरान जो है बहादुरी दिखाने वाले जाबाजों को सेना मेडल आपका दिया जाता है। अगर बात करते हैं हम इनकी, तो ये उस समय पर आर्मी की इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग टीम को लीड कर रही थी काबुल में, और पहली ऑफिसर थी जो कि इंडियन एम्बेसी तक पहुंची, सिर्फ 2 किलोमीटर दूर तक थी, और भागते हुए दौड़ते हुए वहां पहुंची और बहुत सारे जो है ऑफिसर्स को वहां से आपका जो है निकाला। तो लगभग 19 ऑफिसर्स को वहां से पुल आउट किया आर्मी ट्रेनिंग टीम के, जो कि आपका जो बेसिकली जो हमारा मलबा था, मलबा के नीचे दबे हुए थे, और इनकी ब्रेवरी के लिए इनको जो है जो अवार्ड है या मेडल है, सेना मेडल, ये आपका दिया गया। इनका जन्म जो है वो आपका जो है रूरकेला में हुआ था। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बहुत कम लोगों को पता है कि दैट शी फ्लू ऑल्सो ग्लाइडर्स, ठीक है, एनसीसी में इन्होंने ग्लाइडर्स भी आपके उड़ाए हैं, और ऑल इंडिया गोल्ड मेडल भी जीता है एरो मॉडलिंग में। इसके बाद नेक्स्ट नाम जो आता है, चौथा नाम, वो है प्रिया जिंगन का। शी इज द फर्स्ट लेडी कैडेट 001, इनका जो है अकेडमी नंबर है। और अगर मैं बात करूं तो सितंबर 21, 1992 की मैं बात कर रहा हूं, जिस दौरान जो है प्रिया जिंगन इन्होंने आपका एनरोल किया था इनटू इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्मी में, एज द फर्स्ट लेडी कैडेट जिन्होंने कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। लॉ ग्रेजुएशन इन्होंने किया था, और साथ ही साथ हमेशा ये सपना था इनका कि ये आर्मी को ज्वाइन करें। 92 में इन्होंने एक्चुअली में आर्मी चीफ को खुद लेटर भी लिखा था कि भाई जो वेमेन है उनके लिए भी रास्ता खोले, उनके लिए भी जो द्वार हैं वो आपके खोल दिए जाएं फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। और एक साल बाद अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली बाकी 24 फीमेल रिक्रूट के साथ इन्होंने जो है कदम रखा अपने जो है उसी सफर का, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो शी सर्व्ड फॉर द 10 ईयर्स, और अगर हम बात करें तो इन्होंने जब रिटायरमेंट इनका हुआ था तो इन्होंने कहा था, इट्स अ ड्रीम आई हैव लिव्ड एवरी डे फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। इसके बाद नेक्स्ट नाम जो आता है, दैट इज ऑफ दिव्या अजीत कुमार। शी इज द फर्स्ट लेडी कैडेट टू बी अवार्डेड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, पहली लेडी कैडेट है जिनको की स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 21 साल की उम्र में अगर हम बात करें तो इन्होंने 244 कैडेट्स को बीट किया, ठीक है, अकेडमी में। टोटल अगर मैं बात करूं आपका, तो जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, इट इज लाइक द यू नो बेस्ट कैडेट अवार्ड होता है, और अगर हम बात करें हाइएस्ट अवार्ड होता है जो कि आपका किसी भी ट्रेनिंग अकेडमी में दिया जाता है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। और उस दौरान जब पासिंग आउट हो रही थी तो देर वर 244 कैडेट्स जो कि पास आउट हुए थे, जिनको पीछे करते हुए दिव्या अजीत कुमार ने आपका बेस्ट ऑलराउंड कैडेट अवार्ड और साथ ही साथ स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी आपका जीता। यह हाईएस्ट अवार्ड है, और अगर हम बात करें तो मेरिट लिस्ट में आपका सबसे ऊपर आना पड़ता है तभी आपको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिलता है, जिसमें आपका पीटी टेस्ट, साथ ही साथ हायर पीटी टेस्ट, स्विमिंग टेस्ट, फील्ड ट्रेनिंग, सर्विस सब्जेक्ट्स, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, ड्रिल टेस्ट, क्रॉस कंट्री एंक्लोजर, और ये सारी चीजें जो है इनमें टॉप करना होता है, इनमें आपका अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, मेरिट आपका बनती है। और अल्टीमेटली ये सब चीजें पूरी करने के बाद इन्होंने ये हिस्ट्री रच दी इंडियन आर्मी में कि आप जो है फर्स्ट स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो है एज अ फीमेल ऑफिसर इनको जो है मिला। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो रिपब्लिक डे परेड भी इन्होंने जो है 2015 में ऑल इंडिया कंटिंजेंट, जिसमें आपका 154 वुमेन ऑफिसर्स थी, उसको भी आपका लीड किया 2015 में ड्यूरिंग रिपब्लिक डे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका नाम की, तो दैट इज निवेदिता चौधरी, फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स जिन्होंने की माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करी। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट निवेदिता चौधरी की बात कर रहा हूं, पहली ऐसी भारतीय महिला है ऑफिसर है इंडियन एयरफोर्स की जिन्होंने की माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करी। माउंट एवरेस्ट जो है वो आपका समिट किया, और साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, पहली महिला है जो राजस्थान से जिन्होंने कि ऐसा हासिल करने का जो है आपका अगर हम बात करें तो श्रेय हासिल किया। तो अक्टूबर 2009 की ये बात है जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट निवेदिता चौधरी ये आपका जो है इन्होंने ज्वाइन किया था स्क्वाड्रन को आगरा में, और साथ ही साथ उस समय पर जो है वॉलंटियर्स मांगे गए थे इंडियन एयरफोर्स के वुमेन एक्सपीडिशन टीम के लिए एवरेस्ट के लिए, इन्होंने वॉलंटियर किया। और साथ ही साथ 3 साल बाद अगर हम बात करें तो ये पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई जो इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर थी जिन्होंने कि आपका एवरेस्ट जो है वो फतेह हासिल करी, ठीक है। इसी के साथ साथ इनके साथ इनकी टीम में स्क्वाड्रन लीडर निरुपमा पांडे भी थी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजिका शर्मा भी थी जो कि 5 दिन बाद माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे। इसका नेक्स्ट वन इज अंजना भदुरिया, ये पहली भारतीय महिला है, ठीक है, और साथ ही साथ ऑफिसर है जिन्होंने कि आपका गोल्ड मेडल जीता इंडियन आर्मी में।
तो अगर हम बात करें फर्स्ट वुमेन टू विन गोल्ड मेडल इन इंडियन आर्मी, इनका नाम है अंजना भदुरिया, और हमेशा इन्होंने जो है चाहा कि इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर ये आपका जो है ज्वाइन करे, और एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में इन्होंने कंप्लीट की, और उसके बाद फिर जो लेडी ऑफिसर्स के लिए इन्होंने जो है आपका जो एडवर्टीजमेंट था वो आपका फिल किया, और इन्होंने ज्वाइन किया था इंडियन आर्मी को विमेन स्पेशल एंट्री स्कीम के थ्रू। बाद में जो पहला बैच था विमेन कैडेट्स का 1992 में, उसमें ये शामिल हो गई थी, और उस समय सारी जितनी भी हमारे जो टेस्ट है उसमें एक्सेल करते हुए, ट्रेनिंग में जो है आपका बेस्ट परफॉर्म करते हुए इनको गोल्ड मेडल के लिए चुना गया था, जिसमें दोनों मेन और विमेन शामिल थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है आपका 10 साल तक सर्विस दी एंड देन शी रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन आर्मी। फिर नेक्स्ट जिनका नाम आप सभी जानते हैं, गुंजन सक्सेना, और मैं बात कर रहा हूं आपका जो है कारगिल वॉर की। तो पहली ऐसे जो है फर्स्ट वुमेन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर जिन्होंने कॉम्बैट जोन में फ्लाई किया। ठीक है, तो कारगिल वॉर के दौरान फ्लाइट ऑफिसर गुंजन सक्सेना ये आपका पहली भारतीय महिला बन गई इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर जिन्होंने की कॉम्बैट जोन में जो है आपका अपनी सेवाएं दी। 1994 में अगर मैं इनकी बात करता हूं तो 25 और जो है आपका जो है महिलाओं के साथ, 25 और जो फीमेल थी उनके साथ इन्होंने पहले बैच में जो इंडियन एयरफोर्स का जो पायलट्स का बैच था, विमेन बैच था, उसको ज्वाइन किया था, और कारगिल में काफी बार हेलीकॉप्टर सॉर्टीज इन्होंने जो है आपका वॉर जोन में आपका उड़ाई, जिसमें आपका एयर ड्रॉप सप्लाईज भी इन्होंने की, साथ ही साथ इन्होंने इवैक्यूएशन भी आपका किया जो इंजर्ड सोल्जर्स थे उनके। इसी के साथ साथ इनको शौर्य वीर अवार्ड भी दिया गया, फर्स्ट वुमेन टू रिसीव शौर्य वीर अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड है जो कि आपका दिया जाता है फॉर वेलर, साथ ही साथ करेजियस एक्शन और सेल्फ सेक्रीफाइस। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करते हैं आपका दीपिका मिश्रा की। तो फर्स्ट वुमेन पायलट जो कि आपका सारंग के एरोबैटिक टीम में है। अगर हम बात करें 2006 की, तो दीपिका मिश्रा उस समय पर पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई इंडियन एयरफोर्स की पायलट जो कि आपका हेलीकॉप्टर एरोबैटिक टीम जो इंडियन एयरफोर्स की है, जिसका नाम सारंग है, इसकी पायलट आपका बनी। तो जब हम बात करते हैं आपका दिसंबर 2006 में इनकी पासिंग आउट परेड हुई थी आपका एयरफोर्स अकेडमी से, और उसी समय पर जब पासिंग आउट परेड हो रही थी तो पासिंग आउट परेड में आपका जो है सूर्य किरण और सारंग ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इन दी एयरफोर्स पासिंग आउट परेड। तो उसी समय पर उनको देखते हुए इनका जो एक जज्बा था या फिर इनका जो एक पैशन था वो इस तरफ आपका हुआ, और उसके बाद फिर देन शी ज्वाइन दी सारंग टीम इन 2010। ठीक है, जब इनको चांस मिला, और साथ ही साथ अब ये आपका सारंग की पायलट है और सारंग टीम का आपका हिस्सा है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं सोफिया कुरेशी की। ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है जिन्होंने की आपका ट्रेनिंग कंटिंजेंट को लीड किया ऑफ इंडियन आर्मी। तो लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरेशी की बात करूं, ये सिग्नल कोर से है और साथ ही साथ ये रेयर डिस्टिंक्शन इनको मिला टू लीड द ट्रेनिंग कंटिंजेंट ऑफ इंडियन आर्मी फोर्स 18 में, जो आशियान प्लस मल्टीनेशनल फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी 2016 में ये आपका कंडक्ट की गई। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो उस समय पर जितने भी कंटिंजेंट थे उन सभी में सिर्फ अकेली महिला कमांडर थी या महिला जो है आपका वुमेन ऑफिसर थी जो कि किसी कंटिंजेंट को लीड कर रही थी उस समय पर। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें, ये सारी जो 10 आपकी जो वुमेन है, दे मेड अस प्राउड इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड, और साथ ही साथ आप भी इन जैसा ही एक हिस्ट्री आप क्रिएट कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग द इंडियन आर्म फोर्सेस, चाहे वो आर्मी है, चाहे नेवी है, चाहे एयरफोर्स है, आप भी जो है इन्हीं की तरह जो है भारत का नाम और हमारे देश का गौरव दोनों ही आप बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं CDS 2 2023, ये हमारा कंकर कोर्स है, और CDS के थ्रू आप जानते ही है कि OTA में आपका इंडक्शन होता है ऑफ दी वुमेन इन दी इंडियन आर्म फोर्सेस, और इंडियन आर्मी के लिए ये सिलेक्शन किया जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं वुमेन के लिए, तो देर आर दी अदर स्कीम्स ऑल्सो जिसके थ्रू वो आपका जो है ज्वाइन कर सकते हैं इन दी इंडियन आर्म फोर्सेस, जिसमें आपका NCC की डायरेक्ट एंट्री भी शामिल है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपका एफकैट का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है थ्रू द इंडियन एयर फोर्स, और उसके थ्रू भी आपका जो वुमेन है दे कैन बी पार्ट ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। ये जो कोर्स मैं आपको बता रहा हूं ये हमारा फ्लैगशिप बैच है, जिसके थ्रू आपको 100% सिलेबस कवरेज मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, बुक्स, नोट्स और PDFs भी आपको अवेलेबल होंगे, और साथ ही साथ जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए फ्री मॉक इंटरव्यू भी हम अरेंज करते हैं। तो अगर हम देखें तो जो हमारे एनरोलमेंट्स थे आउट ऑफ 2000, 850 से ज्यादा बच्चों ने आपका CDS 2 जो है वो क्वालिफाई किया था 2022 में, तो आप भी ये चांसेस ऑफ सिलेक्शन को अपने इंक्रीज कर सकते हैं
एंड यू कुड बी द पार्ट ऑफ आर अचीवर्स की आर्मी, अपने चांसेस को आप बूस्ट कर सकते हैं। तो जब आप हमारे जो है कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, हम आपको देते हैं डाउट क्लियरिंग सेक्शंस हर एक कोर्स में, क्विज जहां पर आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट और साथ ही साथ मॉक एसएसबी डिस्कशंस भी, तो ताकि आप अपने एसएसबी को भी क्लियर कर पाए। तो आपको कोई भी डाउट है आप हमें कॉल कर सकते हैं 9650052904, ये हमारा नंबर है। सो दैट वुड बी ऑल इन दिस सेशन। आई होप कि आपको जो ये सेशन पसंद आए। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स एज वेल, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ उनका भी जज्बा और जो देश का प्रेम है, जो देश को सर्व करने की जो भावना है, उसको बढ़ाइएगा। विद दिस नोट आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।